तो 2:1 का रेशियो साफ तौर से बनता हुआ सेंसेक्स 129 अंक नीचे जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में आज थोड़ा सा ग्रीन टिक देखने को मिला था, लेकिन आप देखिएगा फाइनल क्लोज जो आ रहा है वो करीब 21 पॉइंट नीचे आ रहा है। तो ये घंटी बज चुकी है, इस हफ्ते का कार्यक्रम यहीं पर हुआ समाप्त। निफ्टी 50 आपके लिए 17,180 के आसपास टिकता हुआ, 43 पॉइंट्स का नुकसान। निफ्टी बैंक एकदम फ्लैट 35,526 पर, और ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में 23 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हीट मैप लेकर आते हैं, कौन से स्टॉक ज्यादा पिटे हैं आज के दिन और वीकली ट्रेंड क्या बना है वो भी हम दिखाएंगे आपको। आज सबसे ज्यादा बिकवाली कहां हुई है, टाइटन का शेयर देखिए 2530 पर आकर रह गया ये काउंटर, 3% के नुकसान पर टिका है। टेक महिंद्रा में पोजीशंस भारी पैमाने पर अनवाइंड हुई, शॉर्ट्स की पोजीशन पूरे हफ्ते मारुति में जुड़ी है और ये 7,400 पर आकर रह गया। आईओसी में बिकवाली का दबाव आता हुआ, आयशर जैसे काउंटर्स, हीरो जैसे काउंटर्स, नेस्ले जैसे काउंटर्स में बिकवाली देखने को मिली है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी में विप्रो, टीसीएस में अनवाइंडिंग, एचसीएल टेक में अनवाइंडिंग जरूर देखने को मिली है। दूसरी तरफ मेटल्स में इस हफ्ते आपको याद होगा तीन दिन तो एटलीस्ट थे जहां पर मेटल्स लीड कर रहे थे, एक सेटबैक है आज। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई दिया। हिंडाल्को हल्की सी बढ़त पर 622 पर टिकने में कामयाब रहा है, लेकिन बाकी कमोडिटी प्ले में आप देखिएगा कोल इंडिया एक विनिंग ट्रेड था, पूरे हफ्ते अगर आप देखेंगे इसने तेजी दिखाई है, आज कुछ कूल ऑफ करता हुआ ये दिखाई दिया है। और ऑफकोर्स बैंकिंग स्टॉक्स में तो प्रेशर था ही, तो चाहे आपका वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इनमें थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बजाज ऑटो तेजी में रहा, अदानी पोर्ट जिस पर एक डीलिंग रूम चेक आया कि तेजी हो रही है, सरकारी बैंकों का आज साथ मिलता हुआ। और क्योंकि पेंट्स में तेजी थी, कच्चे तेल में जो कूल ऑफ आया है, एशियन पेंट आधा परसेंट ऊपर, एसबीआई लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसने दरअसल मामले को संभाला है। अगर रिलायंस का साथ नहीं होता तो शायद हम वो लोअर एंड पर क्लोज होते देखते, 17,000 के ज्यादा करीब होते हम। आरआईएल 2595 पर इनफैक्ट 2600 के काफी करीब दिन को छोड़कर जा रहा है। विरूपा ये है फिलहाल इस हफ्ते की क्लोजिंग, 69 अंकों की गिरावट एडजस्टेड बेसिस पर निफ्टी में। जी हम ना इधर गया ना उधर गया, अगर आप देखें निफ्टी उसी रेंज में अपनी ग्राफ देखें फंस गया। एक्सपायरी ग्राफ देखें जो हुई थी कल, जो क्लोज था उससे लगभग थोड़ा सा ग्राफ देखें चेंज है, लेकिन मोर और लेस अपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के जो